हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। अर्चना का किचन में आपका स्वागत है। आज हम चना दाल बनाएंगे ढाबे स्टाइल। यमी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पानी गर्म होने के लिए रख दिए हैं, गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। देखिए चना दाल है मेरा, इसको दो पानी से अच्छे से धो लिए थे और 1 घंटा के लिए सोख होने के लिए छोड़ दिए थे। देखिए कितना अच्छा मेरा सोख हो चुका है, फूल चुका है अच्छे से। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। पानी मेरा गरम हो गया है, तो अब कुछ मसाला इसमें ऐड करेंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर डालेंगे, लाल मिर्ची का पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। चना दाल देखिए मेरा कितना अच्छा फुला हुआ है, तो आप पहले से फुला लेंगे तो बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। इसको डाल देंगे। अब इसमें नमक डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, साथ में अदरक हरी मिर्च और धनिया पत्ता इसको भी डाल देंगे। ऐसे आप दाल बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा दाल में। 1 चम्मच तेल डाल देंगे इसमें, इसको 7 से 8 मिनट तक पका लेंगे। एक बार मिला लेते हैं इसको। मसाला बना के दाल डालेंगे तो दाल में अलग ही फ्लेवर आएगा, बहुत ही अच्छा दाल बन के तैयार होगा। इसको मिला ढक्कन रख के इसको पकने छोड़ देंगे 7 से 8 मिनट तक। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, हाई नहीं रखना है। इसको पकने छोड़ देते हैं, ढक्कन हटा के देख लेंगे। देखिए कितना अच्छा बॉयल भी आ रहा है मेरा दाल में। एक बार इसको मिला लेते हैं और इसको देख लेते हैं के बीच में, इसको दबा के देखना है। देखिए कितना अच्छा बॉयल हो गया है। देखिए इसको दबा के भी दिखाते हैं, देखिए कितना अच्छा से बन चुका है। तो गैस का फ्लेम अब ऑफ कर देंगे। दाल को 19% पका लिए हैं, तो इसको अब ढक के और इसको साइड कर देते हैं। अब इसके ऊपर कढ़ाई चढ़ाएंगे। एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिए हैं। कढ़ाई मेरा गर्म हो गया है, तो तेल डाल देंगे। आप बटर में भी बना सकते हैं, घी में भी बना सकते हैं, हम तो तेल में ही बना रहे हैं। और तेल को गर्म होने देते हैं। तब तक कुछ खड़े मसाला लेंगे। तो देखिए यह गर्म मसाला है, इसको दरदरा बना लिए थे, और जीरा है और तेज पत्ता है और 2 सूखी लाल मिर्च है। तेल को गर्म होने देते हैं। कुछ मसाला लिए थे, जब तक मेरा तेल गर्म हो रहा है तब तक आपको मसाला दिखा देते हैं। तो 2 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, और ये 1 छोटी चम्मच से 1/2 छोटी चम्मच गर्म मसाला पाउडर, हींग, और ये रोस्टेड जीरा पाउडर है, और थोड़ा सा ये काली मिर्च का पाउडर है। एक कटोरी लेंगे, उसमें सारा मसाला को डाल देते हैं। इसमें 1 बड़ा चम्मच से पानी डाल के इसका घोल बना लेंगे। पानी डाल दिए, इसका घोल बना लेंगे। गरम पानी का यूज किए हैं, थोड़ा पानी और डालेंगे क्योंकि अभी गाढ़ा पेस्ट है, तो थोड़ा पानी और डालेंगे। पानी और डाल दिए तो इसको मिला लेते हैं। इस तरह मसाला पहले से आप तैयार करके रखेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा दाल में। तो इसको आप साइड में रख देंगे। तेल मेरा गरम हो गया है, तो अब ये सब डाल देंगे, खड़े मसाला डाल देंगे। कम आंच में भूनने से अच्छा फ्लेवर आएगा तेल में, अच्छे से धीरे धीरे भुनेगा। मसाला को एकदम धीमी आंच में भून लिए, तो इससे अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो मसाला मेरा भुन गया है, तो गैस का फ्लेम अभी लो रखेंगे। और आप इस स्टेज पे आप प्याज भी डाल सकते हैं, तो हम प्याज का यूज नहीं कर रहे हैं, तो अदरक डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं आप, सिर्फ हम अदरक का यूज कर रहे हैं। इसको मिला लेंगे। प्याज लहसुन के बिना भी बहुत ही अच्छा ये दाल बन के तैयार होगा। जैसे हम लोग शादी में दाल खाते हैं चना दाल, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, उसी तरह का टेस्ट आएगा। तो आप एक बार जरूर बना के देखें। अदरक मेरा भुन गया है, तो जो मसाला तैयार करके रखे थे उसको डाल देंगे। यकीन करिए ये दाल बहुत ही अच्छा टेस्टी बन के तैयार होगा, बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होगा दाल। आप एक बार जरूर बनाएं मेरे कहने पे। अब बिना लहसुन प्याज का एक बार बना के देखें कितना अच्छा टेस्ट आता है। आप 2 टमाटर डाल देंगे, ग्रेट करके ले लिए थे। आप चाहे तो इसको बारीक भी काट सकते हैं, और इसको भी मिला लेते हैं। टमाटर डाले थे तो नमक डालेंगे,
स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, क्योंकि दाल में भी डाले थे तो अपने हिसाब से आप डालें। ढक के 1 मिनट तक पकने छोड़ देंगे इसको। 1 मिनट हो गया है तो ढक्कन हटा के देख लेंगे। देखिए कितना अच्छा मेरा मसाला भुन रहा है, इसको एक बार मिला लेते हैं। इसको मीडियम फ्लेम में भुनना है, एकदम मीडियम से भी थोड़ा लो तो बहुत अच्छा मसाला भुन के तैयार होगा। इसमें तरी अभी बिल्कुल भी नहीं बनी है तो 2 चम्मच मलाई डालेंगे। ये घर में बहुत आसानी से मिल जाता है तो आप इसको मिला लेंगे। मलाई डाल के अच्छे से इसको मिला लेंगे और 1 चम्मच भर के कस्तूरी मेथी का पाउडर डालेंगे। रोस्टेड है मेरा, कस्तूरी मेथी डाल देंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा दाल में, तो आप एक बार ज़रूर डालें। और इसको भी चला लेते हैं और इसको ढक के 5 से 6 मिनट तक इसको पकने छोड़ देते हैं। ढक्कन हटा के देख लेते हैं। देखिए कितना अच्छा मेरा सेपरेट हो गया है, तो मसाला अच्छे से भून चुका है। मैं धनिया पत्ती डालेंगे और इसको भी एक बार मिला लेते हैं। ढक्कन नहीं ढकना है, बस ऐसे पकने छोड़ देते हैं। मसाला मेरा भुन गया है, देखिए तेल भी सेपरेट बहुत अच्छे से हो गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब इसमें दाल जो बॉईल करके रखे थे उसका पहले पानी डालेंगे और अब दाल भी डाल देते हैं। दाल को डाल दिए और इसको मिला लेते हैं अच्छे से और इसको ढक के 7 से 8 मिनट तक पकने छोड़ देंगे। ढक्कन हटा के देख लेंगे तो दाल मेरा देखिए कितना अच्छा से पक चुका है, ग्रेवी भी बहुत अच्छी गाढ़ी गाढ़ी है। ढक्कन हटा के देख लेंगे, देखिए कितने धनिया पत्ती डालेंगे, भर के 1 मुट्ठी डालेंगे। हम लोग के यहाँ शादी में लहसुन प्याज का यूज नहीं होता है, इसी तरह का दाल बनता है, तो आपको उसी की रेसिपी शेयर की है। और ये हरी मिर्ची डाल देंगे और 1 मिनट तक इसको, ये हरी मिर्ची का फ्लेवर इसमें आ जाएगा 1 मिनट तक। अभी गैस का फ्लेम ऑफ नहीं करेंगे, एकदम लो करके छोड़ेंगे। 1 मिनट हो गया तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये लाजवाब दाल बनके मेरा तैयार है। इस दाल का कोई जवाब नहीं है, बहुत ही अच्छा दाल बनके तैयार हुआ है। चावल के साथ, रोटी के साथ, लच्छा पराठा के साथ, पूड़ी के साथ, किसी भी के साथ आप इंजॉय करिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए इसको अब सर्व कर लेते हैं। देखिए दाल को सर्व कर लिए हैं, धनिया पत्ता और अदरक की जुलियन से इसको गार्निश किए हैं। तो दाल बनके मेरा तैयार है, ढाबे स्टाइल की दाल बनके तैयार। तो अगर हमारी दाल की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।